हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इंटरव्यू किया था रे नेचुरल का रोजमेरी ऑयल के बारे में। तो आज की वीडियो है रे नेचुरल के टी ट्री ऑयल के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी टी ट्री ऑयल मैंने वहां से मंगाया है, उसका प्राइस इंफॉर्मेशन दूंगी और बताऊंगी उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग, तो आप देख सकते हैं इस तरीके के कार्डबोर्ड के बॉक्स में आता है रे नेचुरल का ट्री ट्री ऑयल। अब मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि अंदर से आपको किस तरीके की बॉटल जो है मिलेगी। तो इस तरीके की छोटी सी बॉटल के अंदर आपको रिसीव होगा रे नेचुरल का ट्री ट्री ऑयल। बेसिकली ये वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ट्री ट्री ऑयल के बेनिफिट्स क्या हैं और हम इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर मैं बात करूं ट्री ट्री ऑयल की, तो ट्री ट्री ऑयल चाहे किसी भी ब्रांड को, उसके बेनिफिट सेम ही होते हैं। बट अगर आप एक अच्छा ब्रांड चाहते हैं देन आप ट्राई कर सकते हैं रे नेचुरल को भी। ट्री ट्री ऑयल सबसे पहले वर्क करता है पिंपल के ऊपर, और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ ये जो ऑयल्स होते हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसको डिल्यूट करके ही आप यूज करें। इसको या तो वाटर के अंदर मिक्स कर लें और इसकी जो है एक से दो ड्रॉप्स ही डलती हैं। ऐसा ना करें कि भर भर कर इसको लगा लें। तो ट्री ट्री ऑयल हो चाहे कोई भी ऑयल्स हो, एसेंशियल ऑयल्स हो, उनको आप डिल्यूट कर ही यूज करें। जैसे कि अगर आपको हेयर ग्रोथ करनी हो तो शैम्पू में एक दो बूंदे मिला लें, और अगर आपको हेयर के अंदर शाइन चाहिए हो तो कंडीशनर के अंदर एक दो बूंदे मिला लें। बट कभी भी बहुत ज्यादा ना लगाएं, डायरेक्टली फेस पे इसको अप्लाई ना करें। तो एक्ने के लिए मैं आपको बता दूं, आप इसको एज अ टोनर यूज कर सकते हो। आप एक बॉटल के अंदर वाटर को भर सकते हो, उसके अंदर इसके 4 to 5 ड्रॉप्स डाल के एक ट्री ट्री वाला टोनर तैयार कर सकते हो, पूरे फेस पे उसे स्प्रे कर सकते हो, जिससे आपके जो है पिंपल्स काफी हद तक कम हो जाएंगे। क्योंकि ट्री ट्री ऑयल के अंदर ऐसी पावर होती है जो कि पिंपल्स को, एक्ने को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। साथ में आप इसकी एक से दो बूंदे मॉइस्चराइजर में लगाकर भी अप्लाई कर सकते हो। सीरम में भी अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो बहुत ही कम, एक ड्रॉप ही लें और सीरम की क्वांटिटी ज्यादा रखें। तो ये बहुत ज्यादा आप लगाओगे तो स्किन को इरिटेशन दे सकता है। प्लस अगर आपके सिर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ भरा पड़ा है तब भी आप इसकी 2 से 3 ड्रॉप कोई भी कोकोनट या फिर कैस्टर ऑयल में मिक्स करके एक चम्पी टाइप मसाज कर सकते हो, पा सकते हो डैंड्रफ से छुटकारा। तो एंड अगर आपके घर में बहुत ज्यादा स्मेल आती है देन आपका जो डेली क्लीनर है उसके अंदर भी इसकी 2-3 ड्रॉप्स डाल सकते हो। आप बाथिंग एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए नहाने के पानी में भी इसके 2-3 ड्रॉप्स डाल सकते हो। प्लस अगर आपके आर्मपिट से बहुत ज्यादा बदबू आती है देन आप इसको डिओड्रेंट में मिक्स करके भी लगा सकते हो। तो ये जो ऑयल है स्किन के लिए अच्छा तो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ऑयल है ये एक्ने पे वर्क करेगा, तो उसी के तरीके से ये हेयर्स पे भी वर्क करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया अपने करियर ऑयल के अंदर चाहे कोकोनट ऑयल हो चाहे कैस्टर ऑयल हो, इसके कुछ बूंदे मिलाकर अगर आप चंपी टाइप करोगे तो आपका डैंड्रफ जो है हट जाएगा। और अगर आपके आर्म पिट से बहुत ज्यादा स्मेल आती है आप इसको डिओड्रेंट में मिक्स कर सकते हो, और आप इसको हैंड सैनिटाइजर के अंदर भी मिक्स कर सकते हो। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो जिन लोगों के नेल्स के आसपास फंगस वगैरह जमी रहती है वो भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो ये आपके वॉन्ड्स को भी काफी अच्छे से हील करेगा एंड प्रोटेक्ट करेगा। तो ये तो बात हो गई इसके बेनिफिट्स की। प्लस मैं आपको बता दूं, आप अंडर आई एरिया में और आईज के आसपास सेंसिटिव एरिया में इसको बिल्कुल भी यूज ना करें। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो 300 रुपीज का है ये और 15 ml की मिल जाती है आपको क्वांटिटी। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो इस प्रोडक्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, काफी अच्छे से वर्क करता है रे नेचुरल का ट्री ट्री ऑयल। और मैंने इसको लिया था अमेजोन से, तो अगर आपको लेना हो तो लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बार में डाल दूंगी, आप वहां पे जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये थी बस मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में प्रेस करें बेल आइकन को भी ताकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो डालूं तो अपडेट आपको मिल सके। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।